المسجد الاقصى يا رب يا الله من غيرك انصرنا يا الله. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। क़यामत टूटी हुई है फ़लस्तीनियों पे इस वक्त। Israel is persecuting our people, committing war crimes and crimes against human. It's not fair. नाज़रीन को इस में सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर इस तरह के मजालिम इतनी देर के से इतने तवातर के साथ किसी पहाड़ पर ढाए जाते तो पहाड़ भी खड़ा ना रह सकता। ये अल्लाह का मोजज़ा है, ये कमाल की एक हकीकत है कि किस तरीके से फ़लस्तीनी जिनको हज़ारों की तादाद में मारा जाता है, रोज़ रोज़ इन पर जुल्म ढाए जाते हैं, 70 साल हो गए लेकिन ये खड़े हुए हैं, अटल खड़े हुए हैं। इनको मुसलमान दुनिया ने छोड़ा है, इनको अरब दुनिया ने छोड़ा है, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारे। कमाल है, आफरीन है इन फ़लस्तीनियों पे। इस पर बात करते हैं नाज़रीन कि क्या कर सकती है दुनिया, क्या करेगी दुनिया आज के दौर में जब लोग बात करते हैं हर वक्त हकूक की, इंसानी हकूक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है, दूसरी तरफ इतने इदारे हैं, उधर अमेरिका बात करता है ह्यूमन राइट्स का। एक चूंटी को कुछ हो जाए किसी मुसलमान दुनिया में तो खड़े हो जाते हैं अमेरिकी और वेस्टर्न ममालिक। इस वक्त कहाँ हैं सब, क्यों गूंगे बहरे हुए हैं? अमरीका ने ये कहा, जो बाइडन जो मुनाफिक हैं, जो नए इनके सदर हैं, उन्होंने खड़े होकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जुल्म ढाए जा रहे हैं फलस्तीनियों पे, वो सेल्फ डिफेंस अपनी हिफाजत की खातिर इसराइल कर रहा है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी मुनाफिकत कोई हो ही नहीं सकती। इस पर बात करते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, यूके, यूएस और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की सफीर रह चुकी हैं। और नाज़रीन हमारे साथ हैं अम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब, जो सफीर रह चुके हैं पाकिस्तान के अमरीका में और मॉस्को में और दिल्ली में, और यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय रह चुके हैं मिडल ईस्ट में। डॉक्टर मलिया लोधी, कहाँ देख रही हैं आप ये सिलसिले को जाते हुए, ख़ासतौर पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई और नहीं हुई और ओआईसी के हवाले से, वेयर आर वी गोइंग? देखिए, इस वक्त जो है इस सानहा फ़लस्तीन का जो सानहा है, उसके तीन पहलू मैं समझती हूँ कि हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। पहले तो ये कि इस वक्त ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, और मैं ये भी कहूँगी कि मुस्लिम ममालिक का ये कलेक्टिव फेलियर है, ये उनकी नाकामी है कि आज तक 70 साल बाद भी फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और जो ट्रेजिडी और सफरिंग है और प्लाइट है फ़लस्तीनियों की, वो पहले से कहीं और बदतर हो रही है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी। और ये कि जी एक कम्युनिकेशन इशू हो गया, एक स्टेटमेंट दे दिया, देखें मुसलमान दुनिया डिवाइडेड है। अभी हाल ही में 4 ममालिक ने सफारती तल्लुक इस्टेब्लिश किए थे इसराइल के साथ, उससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो इसराइल को हुआ, बल्कि इसराइल को एम्बोल्डन किया उन्होंने कि उन्होंने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी और जिस किस्म का जुल्म वो उठा रहे हैं। तो पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि द यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है टू एनी सॉल्यूशन। और आप देख रही हैं कि हाल में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वो भी उसमें ताखीर की गई अमेरिका की तरफ से, और लगा ऐसे कि इम्प्रेशन कम अज़ कम ये मिला लोगों को, ख़ासतौर पर फ़लस्तीनियों को, कि ये मौका दिया जा रहा है इसराइल को कि वो अपनी बमबारी जारी रखें। और उन्होंने कोई सीज फायर की कॉल नहीं दी अमेरिका ने अभी तक, एज आई स्पीक। तो दूसरा पहलू तो मैं समझती हूँ ये बहुत अहम है। तीसरा पहलू ये कि देखें, जहाँ तक सोल्यूशन और हल का ताल्लुक है, वो बड़ा क्लियर है। उसमें इंटरनेशनल कंसेंसस जो है उसकी एक्सप्रेशन हो चुकी है यूएन रेजोल्यूशंस में, बल्कि 80 से ज़्यादा यूएन रेजोल्यूशंस हैं फ़लस्तीन पे। सो जो यूएन में रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कहते हैं कि जी फ़लस्तीन का मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए, फ़लस्तीनी राइट्स जो हैं वो रिस्टोर होने चाहिए, और वो थ्रू अ टू स्टेट सोल्यूशन जिसमें कि एक फ़लस्तीनी रियासत हो जो कि आज़ाद हो और कंटिगुअस हो। ये नहीं कि उसको टुकड़े टुकड़े करके फिर कह देना कि जी ये ले लीजिए, ये आपका मॉथ ईटन
फलस्तीन है, और दूसरा ऑफ कोर्स टू स्टेट सॉल्यूशन का ये भी मतलब है कि जी इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट. तो इसमें तो इंटरनेशनल कंसेंसस है, लेकिन देखें कश्मीर के रेजोल्यूशन की तरह फलस्तीन जो कि कश्मीर की तरह सबसे पुराना इशू है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हिस्ट्री में, तारीख में, तो उस रेजोल्यूशन की तरह ये भी जो रेजोल्यूशन है फलस्तीन पे ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए. रेजोल्यूशन 242, अच्छा आई कैन गो ऑन एंड ऑन. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बार बार कहा है ये कि जी ये जो सेटलमेंट्स कर रहा है इसराइल वो इलीगल है, उनको बंद किया जाए. यहाँ तक कि जब सदर ओबामा अमेरिका के सदर थे तो एक वक्त पे उनकी नुमाइंदा ने एब्सटेन किया उस रेजोल्यूशन पे जो कि इससे ताल्लुक रखती थी, और उतना कोहराम मच गया अमेरिका में कि पता नहीं क्या कर दिया है सदर ओबामा ने. तो अमेरिकन पॉलिसी का बहुत दखल है इसमें, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक कलेक्टिव फेलियर है. और साथ साथ मैं ये कहूँगी कि एक जो नया पहलू हम देख रहे हैं इस सारे सिचुएशन का वो ये है कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी हमें नज़र आ रही है. सो आवाम की तरफ से, चाहे वो आवाम लंदन में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे बगदाद में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, आवाम की तरफ से जो सॉलिडेरिटी हम देख रहे हैं फलस्तीनी कॉज के लिए, मैं समझती हूँ कि वो हाल में तो कम से कम वो अनप्रेसिडेंटेड मुझे नजर आता है. वो अनप्रेसिडेंटेड नजर आ रही है. अम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिसका पूरी तफसील में जिक्र किया इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर मलिया लोधी ने, आपको नजर आ रहा है कि ये इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ इसका नतीजा निकलेगा, जो इजरायली एक अग्रेशन है, स्टेट टेररिज्म है, या आपको लगता है वही होगा कि फिर वो इजरायली से कहा जाएगा रुक जाएं और इजराइल जो है रोक देगा अटैक्स और बस फिर इट विल बी लाइफ एज यूजुअल एंड अ नाइटमेयर फॉर द पैलेस्टिनियंस. जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया है, और डॉक्टर साहिबा को भी मेरी तरफ से मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ. उनकी हर एक बात से मैं मुतफिक हूँ बिल्कुल. मैं ये समझता हूँ कि इसराइल का जो के अहदाफ जो हैं वो ये है कि मैं समझता हूँ इस दफा कुछ फर्क ये है कि इसराइल की कोशिश ये है कि हमास को और फलस्तीनी मुकावमत यानी कि रेजिस्टेंस को हमेशा के लिए वो ख़त्म करने की कोशिश में है. वो एक बार में अगर नहीं होगा, लेकिन ये अभी फाइनल फेज है. वो चाहते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन को, तो उन्होंने अमलन रद्द किया है जो कि यूनाइटेड नेशंस का पोजीशन है, जो कि मेजॉरिटी दुनिया की पोजीशन है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए. दरअसल हमास ने भी टू स्टेट सॉल्यूशन को रद्द किया है, लेकिन उसकी वजूहात और हैं. वो क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये तो हमें मारने पे तुले हुए हैं, तो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात जो है वो फजूल है हमास की तरफ से. दुनिया वाले समझते हैं कि भाई पीस नेगोशिएशन, टू स्टेट सॉल्यूशन कॉम्प्रोमाइज. इसराइल का ये है वो जो है ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक के दुश्मन को नीस्त तो नाबूद करो, कंप्लीट सफाई हस्ती से उनको उड़ा दो, और वो सही मानों में फलस्तीनी पे नस्ल कुशी का उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है. पहले से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे उनके जो साबिक प्राइम मिनिस्टर लेडी थी गोल्डा मायर, तो उन्होंने कहा था कि भाई ओरिजिन ऑफ इसराइल ये है कि देयर वाज अ पीपल, एक लोग थे, आवाम थी जिसके पास कोई जमीन नहीं थी, और वो आ गए हैं एक जमीन पे जहां कोई लोग नहीं बसते हैं, यानी कि फलस्तीनी जो मौजूद थे वो यानी कि फ्लोरा और फौना में शामिल होते थे, वो उसका उनका शुमार था, इंसानों में उनका शुमार नहीं है, और यही रवैया रहा है. अब इसके अलावा अमेरिका जो है वो इसराइल को अपना ऑफशोर मिलिट्री बेस समझता है मिडल ईस्ट में, और हर सूरत में हत्ता के वो नस्ल कुशी में भी इसराइल की मदद वो करेगा, उसमें कोई वो
क्या उसे कहें रिजर्वेशन वो नहीं लाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी बुनियाद भी नस्ल कुशी पर मबनी है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने रेड इंडियंस के साथ क्या किया, फिर स्लेवरी आया है उन्होंने किया है, और उसके बाद जो है इनकी परपेचुअल वॉर, कोई कोई साल ही नहीं है, कोई ऐसा खास वक्फा ही नहीं है जब अमेरिका लड़ नहीं रहा था। तो ये उनकी रिवायत है, ये इनकी खूमे है, और इसराइल उनका बच्चा है, और ये मिलके दुनिया पे हावी होना चाह रहा है बतौर खास अमेरिका। ये लगता है कि ये एक्सट्रीम बात हो रही है, ये एक्सट्रीम नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक एनालिसिस पे मबनी है। अब दुनिया को ये समझना है कि अमरीका की रोक काम कैसे हो, जब तक वो मुमकिन वो नहीं होगा उस वक्त तक मिडल ईस्ट में पीस लाना, इंसाफ लाना नामुमकिन होगा। तो नाजिन ब्रेक लेते हैं, इस पॉइंट पे बात करेंगे फिर इसी पर ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त फ़लस्तीन के इशू पर। डॉक्टर मलिया लोधी, आपने बड़ी तफसील में इनकी बात सुनी एम्बेसडर साहब की, तो आप दोनों की बात जो सुन रहे हैं नाज़रीन वो तो फिर ये सोच रहे होंगे कि कोई इसका हल ही नहीं है, और ये कि फ़लस्तीनी तो यकीनन मेरा ख्याल है आखिरी दम तक, आखिरी फ़लस्तीनी तक वो तो अपनी जंग लड़ते रहेंगे। जैसे आप कह रही थी कितने वो यानी 70 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, 1906 ऑनवर्ड्स उनके साथ ये ज्यादतियाँ शुरू हुई हैं, तो क्या हम समझे फिर? मेरा ख्याल बस वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, यानी इज इट होपलेस? नहीं नसीम, देखें एक ऑक्यूपेशन फोर्स जो है वो किसी हद तक कामयाब होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो इस किस्म की जंग में जो ऑक्यूपाइंग पीपल होते हैं उनको आज़ादी ज़रूर मिल जाती है। तो मैं नहीं समझती कि वी शुड लूज होप, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि दबाव डाला जाए सफारती और पॉपुलर दबाव डाला जाए अमेरिका पे। बिकॉज देखिए, अगर एक सिंगल पार है, जैसे कि अशरफ जहांगीर काजी साहब ने भी फरमाया, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है, खैरख्वाह है, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की असिस्टेंस देता है हर साल, तो मैं समझती हूँ कि उस पर इतना दबाव आना चाहिए कि वो देखें द फ्यूटिलिटी उनकी पॉलिसी की। बिकॉज देखें जिस तरह से इसराइल रद्द कर रहा है टू स्टेट सोल्यूशन को, और वो वन स्टेट सोल्यूशन इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, वो भी नाकाम होगा। और उस नाकामी की वजह तो यही है कि कितनी देर तक आप उन लोगों को रिप्रेस करते रहेंगे जो कि आपके यानी कि जो एक ही इलाके में रहते हैं। देखें एक और जो पहलू इस बोरान का ये भी है, बट यू हैव सीन इट, आपने 70 साल, डॉक्टर साहब आई जस्ट वांट टू इंटरवीन सॉरी एंड से कि आप देख रही हैं ये तो रिपेटिटिव पैटर्न है। जो बाइडेन की मुनाफिकत तो इससे जाहिर हो गई कि उन्होंने कहा ये सेल्फ डिफेंस, उन्होंने तो क्लियरली कहा ये सेल्फ डिफेंस में खड़ा हुआ इसराइल, तो ये अमरीका पे कौन प्रेशर डालेगा? आप मुझे बताइए, आपको कोई चांस नजर आता है? प्रेशर देखें, प्रेशर तो जाहिर है, हमारी तो तवक्को यही है ना कि एक तो ये कि मुस्लिम दुनिया में यकजहती होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं नजर आती। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक स्टेटमेंट इशू करने से तो नहीं कुछ होता, और उसमें कोई एक्शन ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ एग्जॉर्टेशन है, एक कॉल है, तो इससे तो कोई काम नहीं बनेगा, कोई एक्शन होना चाहिए उसमें। दे शुड आस्क कि क्या चीज होनी चाहिए जिससे कि दबाव बढ़ाया जाए ताकि जो कॉस्ट हैं अमरीकन पॉलिसी की, उससे उनको ये एक एहसास होना शुरू होना चाहिए कि देयर आर कॉस्ट टू व्हाट दे डू एंड डिप्लोमेटिक कॉस्ट जाहिर है। ठीक, तो एक तो ये कि वहां से आनी चाहिए, दूसरा मैं समझती हूँ कि आजकल द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन बहुत ही इनॉर्मस चीज है, और उस हवाले से मैं ये भी कहूंगी कि कुछ हैं लोग जिन्होंने जुरत दिखाई US कांग्रेस में, जिन्होंने जुरत दिखाई लंदन की सड़कों पर भी, कि उनके MPs निकले, कांग्रेस वुमेन निकली, उन्होंने एक पोजीशन ली। तो देखें इस तरह की जो तवील स्ट्रगल होती है तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। सो इस वक्त जाहिर है बहुत ही संगीन सूरत हाल है, और हमें होप या
उम्मीद की किरण कम नजर आती है, लेकिन हमें वी शुड नॉट लूज होप और होप इसी में है, दुनिया की जो कॉन्शियंस है उसको मुसलमान मुमालिक जो है वो एक लीड लें और सिवाय सिर्फ रेटरिक से काम ना चलाएं, उसे उजागर करें। अशरफ जहांगीर का सब जस्ट लास्ट कमेंट, वेरी क्विक कमेंट, के आपको क्या लगता है इन एडिशन टू व्हाट डॉक्टर साहब आर सेइंग, क्या चीज है, क्या स्टेप है, कौन स्टेप ले सकता है या कोई ले भी सकता है ऐसा स्टेप जिससे कि अमेरिका अपना जो उसका बच्चा जो आपने जिक्र किया इसराइल उसको रोके और उसको सही रास्ते पे चलाए? देखिए डॉक्टर साहिबा ने सही कहा है कि हमें उम्मीद हारना नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद ना वो अगर हम हारें वो तो इस्लाम के तकाजे के भी खिलाफ वर्जी है, उम्मीद तो रखना वो फर्ज है, लेकिन साथ साथ हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अमेरिका जो है कंप्लीटली पोलराइज्ड और डिवाइडेड सोसाइटी है, और इसराइल एक वो मौजू है जहाँ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की राय में वो तकरीबन एक ही हैं, जहां तक इसराइल मौजू उसके हवाले से। तो अमेरिका से ये तवक्को रखना, और आप देख रहे हैं उनकी बिहेवियर जो है विथ रिगार्ड टू एशियंस, विथ रिगार्ड टू अफ्रीकन्स, विथ रिगार्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस कदर मुजरिमाना है, इस कदर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मबनी है, तो उनसे उम्मीद रखना तो मैं समझता हूँ फिलहाल तकरीबन अनप्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है, उससे कोई फायदा नहीं। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो है और साथ खलीज के दूसरे ममालिक, और डॉक्टर साहब ने उनके तरफ इशारा भी किया, वो तो दरअसल बन गए अलाइज ऑफ इसराइल अगेंस्ट पैलेस्टिनियंस। अब क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है उनके अपने अवाम की तरफ से, तो दिखाने के लिए OIC जो दुनिया का सबसे यूजलेस इंस्टीट्यूशन है, उसकी कोई वक्त ही नहीं है, उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। तो अब हमें ये फलस्तीनी जो हैं वो तो अपने वो क्या उसे कहते हैं दिफा वो जारी रखेंगे, ये उनके लिए जिहाद भी है, जैसे कश्मीरी करेंगे, और तमाम और जो मुसलमान ममालिक हैं उनके जो हुकूमत हैं अनफॉर्चुनेटली उनसे ज्यादा तवक्को रखना बशमूल हमारे तवक्को नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अशरफ जहांगीर काई साहब, थैंक यू सो मच। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन गॉट योर पॉइंट, आप फरमा रहे हैं कि उम्मीद उनसे नहीं की जाती रखी जाती, लेकिन नाज़रीन जो दो अहम चीज़ें हैं जो उम्मीद की, एक तो फलस्तीनियों की जो बहादुरी है, जो उनका जज्बा है, जो उनकी हिम्मत है, उनको उसको हमारा सलाम, और दूसरी तरफ पब्लिक ओपिनियन अब फिर उठी है, फिर जागी है। हम देख रहे हैं इन सेवरल कॉन्टिनेंट्स पीपल हैव रिजन, पहले भी उठे हैं फलस्तीनियों के लिए, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसने बड़ी क्लियरली एक पोजिशन ली हुई है कि किसी सूरत भी इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते जब तक के टू स्टेट सोल्यूशन ना हो, जब तक के फलस्तीनियों को अपने हकूक ना मिले। नाज़रीन बड़ी अहम ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, इस पर हमारी नज़र आएगी। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ECL पे हैं, फिर बात करते हैं, स्टे विद अस। जब फलस्तीन में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था, जब कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कबीना का इजलास इस जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत के लिए बुलाते हैं। उन्होंने इजलास बुलाया कि मियां शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाला जाए। शहबाज शरीफ सन्नाफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 7 अरब के सासों का केस है और उनको अपने भाई नवाज शरीफ तरह वापस लाना मुश्किल होगा। वो जमानती के शहबाज शरीफ के वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जो कि सियासत में से बड़ा सवाल है कि हुकूमत चाहती किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब वापस
कि मुल्क से बाहर ना जाएं, और कोर्ट ने इजाज़त दी थी लेकिन हुकूमत ने उनको एक और लिस्ट पर डाल दिया है, और इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर होंगे या अंदर होंगे, ये जंग चली गई है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो हुकूमत को इतनी क्या ज़रूरत है, क्या कानूनी तौर पे इतना लाजमन उनको यहाँ रखना चाहिए, ये सब सवाल हैं। उसके बाद हुदैबिया के हवाले से भी हुकूमत ने कहा जी हम केस खोलेंगे, फिर से खोलेंगे, उससे क्या शहबाज शरीफ साहब घबरा के बाहर जाना चाहते हैं, या शहबाज शरीफ साहब जैसे हुकूमत कह रही है कि जी वो तो गारंटर थे, उनको तो वो जा ही नहीं सकते, शहबाज शरीफ साहब अगर जाएंगे तो अब तो वो भी वहाँ जा के रह जाएंगे क्योंकि इनके ख़ानदान के तमाम लोग बाहर हैं, और नवाज शरीफ साहब जिनको इन्होंने वापस लाना था वो भी बाहर हैं। तो आप कहेंगे पाकिस्तान कितने बड़े बड़े मसले हैं, लेकिन हुकूमत समझती है कि ये भी बहुत बहुत बड़ा मसला है। तो इस पर हुकूमत ने बड़ा इस वक्त अपना एक कहें हम के फोकस रखा हुआ है, और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से वो कहते हैं ये बड़ा अहम है। और PMLN के बाहर कहा जाता है कि अपने उनके रबते हैं, कोई गुफ्तगुनशनीद हो रही है, और कोई जो करता धरता यहाँ के ताकतें हैं उनसे बातचीत हो रही है। तो बड़ी एक समझें कि खिचड़ी सी बनी हुई है, होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास इस वक्त कोविड का इतना बड़ा इशू है, फलस्तीन का इतना बड़ा इशू है जिस पर हमने बड़ी तफसील में भी बात की है, लेकिन बहरहाल इस पर भी बात करना लाजमी है। नाज़रीन, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं PTI के, बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, उनके साथ मौजूद हैं। सेनेटर आज़म नज़ीर तारर साहब सीनियर लीडर हैं PMLN के, और ये वकील भी हैं शहबाज शरीफ साहब के इन केसेस में। तो शुरू करते हैं पहले अली ज़फ़र साहब आपसे कि इसमें इतना बड़ा मसला क्यों है हुकूमत के लिए कि शहबाज शरीफ साहब इधर ही रहें, वो जाते तो वापस आ जाते, आखिर पहले भी तो गए थे और वापस आ गए। इसमें मैटर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें एक प्रिंसिपल बहुत बड़ा इन्वॉल्व है, और वो प्रिंसिपल ये है कि तहरीक इंसाफ की जो एक बहुत बड़ा मोटो था जिसकी वजह से वोट्स भी मिले और पार्टी एक पावर में भी आई, गवर्नमेंट भी बनाई, वो है अकाउंटेबिलिटी का, और वो है इंसाफ का, कि इंसाफ जिसका एक बहुत मेजर सुकून है कि वो हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक आम शख्स उठ के मुल्क से बाहर नहीं जा सकता अगर उसके खिलाफ कोई केस हो, तो फिर कोई अहम शख्स भी नहीं जाए। तो ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है, और इस केस में जेन्युइन खदशा है हुकूमत को, बड़ा जेन्युइन खदशा है कि वो शायद एक बार बाहर चले जाएं तो वापस नहीं आएंगे, और उसकी वजह यह है कि जो माजी में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अदालत में, एक एफिडेविट दिया था कि वो 4 हफ्ते में नवाज शरीफ साहब को वापस ले आएंगे, वो उन्होंने नहीं किया, कार्रवाई हुकूमत को करनी पड़ी, लेकिन वो इतने पावरफुल हैं कि वो वहां से ब्रिटानी हुकूमत भी उनके भाई को वापस नहीं भेज रही। तो ये एक बार जब डस चुकी है हुकूमत, पता चल गया है कि एक उनके भाई गए बाहर, ये कह के कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ और वापस नहीं आए, तो ये बहुत एक जेन्युइन कंसर्न है कि ये भी शायद वापस ना आए, तो इसलिए इस इशू को हुकूमत। अच्छा अली ज़फ़र साहब, तो सॉरी इस सूरत जी ठीक, लेकिन आपको लगता है कि PMLN क्या अपनी सियासत खत्म करना चाहती, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का यहाँ होना सियासत को आगे बढ़ाने के लिए लाजमी है, और ये भी सुनने में आया कि जी बातचीत हो रही है इनकी कुछ हलकों में यहाँ, तो ये आपको लगता है कि आपकी हुकूमत को लगता है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे तो बाहर जाके बैठ ही जाएंगे, और उसके बाद PMLN की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत सियासी तौर पर कमजोर नहीं होगी? ये देखें, हिस्टोरिकली अगर आप तारीख को देखें तो यही पोजिशन है, यही कहा जाता था नवाज शरीफ साहब के बारे में कि बहुत बीमार हैं और जल्द से जल्द वो वापस आ जाएंगे, अगर वो बाहर बैठ गए तो फिर पॉलिटिकल नैरेटिव खत्म हो जाएगा PMLN का और बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होगा, और यही एक परसुएसिव आर्गुमेंट दी जाती थी, ये बहस की जाती थी कि उनको जाने दें, वो जरूर वापस आएंगे क्योंकि उनका PMLN के साथ और उनकी जो PMLN की पॉलिटिकल ताकत है उसके साथ इतने जुड़े हुए हैं वो, कि अगर वो बाहर चले गए तो PMLN को नुकसान होगा, वो कभी भी ये नहीं होने देंगे। यही आर्गुमेंट थी एग्जैक्टली जो अभी आपने शहबाज शरीफ साहब के बारे में किया, उस आर्गुमेंट पे अब हम यकीन नहीं रख सकते।
वो अब लगता यही है। और स्पेशली आपने एक जिक्र किया हुदैबिया का, वो भी एक ऐसा केस है जो कि शुरू किया गया है, हो सकता है वो उसके डर से या खदशे से वो जल्दी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वापस ना आऊं। पता नहीं क्या वजह होगी उनके दिमाग में, वो तो वो ही जानते हैं। लेकिन जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हम कोशिश करेंगे, और इसीलिए अपील फाइल की गई है हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, और इसीलिए उनको नैब ने भी ये खदशा, चूंकि मैं नैब को भी था, नैब ने भी एक रिक्वेस्ट भेजी जिसके बाद वो ECL पे भी उनको डाल दिया गया। तो ये हुकूमत तो पूरी तरह कोशिश करेगी कि इंसाफ हो, और इंसाफ का तकाजा यही है कि उनको बाहर ना जाना दिया जाए। अच्छा, वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं जाऊं तारा साहब के पास, आप लोगों ने तो यानी अपनी पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किए अली जफर साहब, आप लोगों ने तो हाई कोर्ट को पर ही सवाल या निशान उठा दिया है, यानी कि आपको जब फैसला पसंद नहीं आता आपकी हुकूमत को तो वो कोर्ट्स पर अटैक ही है, क्रिटिसिज्म ही है। पहले भी जब उनको जाना था तो उस वक्त पहले आपके मिनिस्टर्स ने आके तनकीद की और फिर कहा जी नहीं फैसला आधा यूं था और वूं था, फिर उसके बाद बहरहाल उनको मिल गया। अब भी जो पटिशन है उसमें कहा गया कि कोर्ट का फैसला गलत है, तो ये प्रेसिडेंट अच्छा है कि जब फैसला पसंद ना आए तो कोर्ट को भी साथ रगड़ा दो? जी देखें, इसमें कोर्ट के रगड़ने की बात बिल्कुल नहीं है। हर अपील का हक होता है हर पार्टी को, चाहे वो हुकूमत हो या प्राइवेट पार्टी हो। अगर उनके खिलाफ एक नीचे केस फैसला कर दिया है हाईकोर्ट, तो अपील दायर करना उनका हक है। और अपील में यही कहा जाता है, हर अपील आप उठा लें उसमें यही कहा जाता है कि जो जज साहब नीचे थे उन्होंने ये गलतियां की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाती है कि वो उन गलतियों को देखते हुए सेट असाइड कर दें उस केस को, जो फैसला है उसको खत्म कर दें। और तो आप कह रहे हैं ये रूटीन में, ओके ठीक, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अरे आप कह रहे रूटीन में, आप कह रहे नई चीजें, ठीक जी जी। तो एक इशू इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब जो डेवलप हुआ है, आप देखें कि जो 7 मई का फैसला था हाईकोर्ट का, वो फैसला तो ये था कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ECL पे नहीं डाला हुआ था, FIA का केस था, और उसमें जो पिटिशन में कहा गया था कि हम ECL की लिस्ट पे चूंकि नहीं है इसलिए हमें बाहर जाने दें, और हो सकता है हाईकोर्ट ने उस एंगल से उनको बाहर जाने की इजाजत दे दी हो। इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, काफी कानूनी उसमें नुकात लिए हैं अटर्नी जनरल साहब के ऑफिस ने। लेकिन उसके साथ साथ एक सब्सिक्वेंट इवेंट भी हो गया। सब्सिक्वेंट इवेंट ये हुआ इस जब अपील अभी दायर करने से पहले ही, कि नैब ने भी रिक्वेस्ट कर दी कि जो नैब वाला केस है उसमें उनको ECL पे डाला जाए, और वो उसको कंसिडर करने के बाद हुकूमत ने ECL पे डाल दिया शहबाज शरीफ साहब को। तो अब एक नया कॉज ऑफ एक्शन हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अब ये वापस भेज दे केस को हाईकोर्ट में, कि चूंकि अब वो ECL का मामला आ गया है, इसलिए दोबारा अगर कोई पिटिशन करना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब ECL के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए तो कर दें। और दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हाई सुप्रीम कोर्ट खुद ECL का मामला भी जी देख रहा है। अली जफर साहब, लेट मी गो टू तार साहब नाउ, जरा ठीक तार साहब आप बताइए, आपने तो पूरी सुन ली हुकूमत की जो इसमें थिंकिंग है और जो कह रहे हैं कि लीगल इनके फेवर में जाते हैं पॉइंट्स, आप मुझे बताइए आपके जो क्लाइंट हैं उनके पास कितने चांसेस हैं इस वक्त, जो लग रहा है कि नैब का भी खाता खोल दिया, फिर से ECL में भी डाल दिया, ये इतने ढेरों पॉइंट्स उठा लिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है तार साहब? देखिए मैं तो पहली बात तो मेरे लिए बड़ी हैरान कर रहे हैं कि पता नहीं इनके पास वो कौन सा इल्मे गैब है जो ये खुद ही समझ लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने वापस नहीं आना। शहबाज शरीफ साहब तो तब वापस आए जब अभी इन्होंने एक जो इनके बकौल इस सदी का सबसे बड़ा मुकदमा था 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, और शहबाज शरीफ के असासों में 390 गुना इजाफा और पता नहीं क्या क्या था उसमें, वो अल्लाह पूछे इन्हें। वो खोटा पहाड़ निकला चूहा, शहबाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने फेस किया उसको, गिरफ्तारी दे दी, रिमांड उसका काटा, जेल काटी, और लाहौर हाईकोर्ट में उनका जब मैटर गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ,
टोटल 5 जज साहबान ने वो केस सुना और 4 जजेस ने उन्हें बेल दी और कहा कि ये जो एलिगेशन है ये एग्जैजरेटेड है और ये शहबाज शरीफ को करेक्ट नहीं करती मुकदमे के साथ। तो भाई वो तो खुद आके पेश हुआ था, वो 2 दफा ECL से परमिशन लेने के बाद जब पिछली दफा ECL में नाम डाला गया तो वो ऑर्डर कॉश कर दिया गया, उस ऑर्डर के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में गए। अक्टूबर हमें मिला था ECL का क्वाशिंग ऑर्डर 26 मार्च 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, इसी केस में जिसमें शहबाज शरीफ साहब की अभी जमानत हुई है जिसमें दोबारा ECL में डलवा रहे हैं, इस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब का ECL का प्लेसिंग का ऑर्डर जो क्वाश कर दिया। फिर उस ऑर्डर को लेके ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में और अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी हुकूमत की अपील हुकूमत को समाप्त करने के बाद। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ये जो अभी दोबारा ECL में नाम डाला है ये तो उल्टा इन्होंने अदालती निजाम का मजाक उड़ाया है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको सबोटेज करने के लिए, फ्लाउट करने के लिए, डिसोबे करने के लिए उन्हें रोका, शर्मनाक तरीके से रोका, कहा जी छुट्टियां हैं तो हम आपके लिए दफ्तर नहीं खुलवा सकते। और फिर आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि पूरी छुट्टियां हुकूमत की सारी एनर्जी जो है वो शहबाज शरीफ का नाम ECL में दोबारा डालने पे लगी। उन्होंने नैब से मूव करवाया, जो कहते हैं इनका गठ जोड़ है वो पपेट बनी हुई है नैब इनकी, नैब ने भेजा उसके लिए स्पेशल कमेटी बनी, वजीरे कानून वजीरे दाखिला की वो बैठी, FIA के DG को कहा गया आप दफ्तर खोलो, इमिग्रेशन के दफ्तर खुलवाए गए, कैबिनेट को काम करवाया गया छुट्टियों में और फिर एक वजीर ने कहा कि अभी ECL पे नाम डाल ही नहीं सकते छुट्टियों के बाद डालेंगे, दूसरे ने कल पर्चा आउट किया उसने कहा हमने तो डाल भी दिया और आज सुबह ये बात बाहर निकल आई। तो ये बुखलाहट है, ये खौफ है हुकूमत का शहबाज शरीफ से जो ये बार बार कर रहे हैं। और लीगली तो मैं समझता हूँ जब एक दफा लाहौर हाई कोर्ट ने इसी केस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से क्वाश कर दिया था और वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया अक्टूबर 2020 में, ये एज रिसेंट एज लास्ट अक्टूबर, तो ये एक शर्मनाक हरकत है हुकूमत के पार्ट से कि दोबारा उसी केस में उनका नाम डाल दिया जाए। और जब ये मामला अदालत में ले जाया जाएगा मैं बतौर वकील ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी उस सूरत में। अच्छा, तो बहरहाल आप दोनों ने अपनी बड़ी क्लियरली जो पोजीशंस हैं वो बता दी। अली जफर साहब, बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, ये बताइए मुझे कि ये जो अभी बात की है तारर साहब ने कि एक ऑलरेडी कॉश किया था ECL पे जो डाला था नाम हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के जरिए और उसी केस में फिर से ECL में डाल दिया, तो आप आई यू वुड यू एक्सपेक्ट अ सिंपथेटिक हियरिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑन दैट? देखिए जी, ECL का जो कानून है वो बड़ा क्लियर है और इस पर बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं। जजमेंट्स ये कहती हैं कि हुकूमत का हक है कानून के मुताबिक किसी को किसी वक्त भी ECL पे डाल दें, चाहे निकाल दें या डाल दें, वो उनकी हुकूमत की एक एक रीजंट ऑर्डर के जरिए करना होता है, उसकी वजह देनी होती है कि क्यों किसी को ECL पे डाला गया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको हम उस पर नजरसानी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या जो वजह दी है हुकूमत ने किसी को ECL में डालने की वो दुरुस्त है कि नहीं। ये मामला तो यकीनी तौर पे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही डिसाइड करते हैं। जब भी किसी को ECL पे डाला गया है वो चैलेंज किया गया है, कुछ केसों में कोर्ट ने कहा है कि जायज है, कुछ केसों में कहा है कि नहीं ये गलत है, तो अल्टीमेटली फैसला तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हम अपनी अपनी बहस कर सकते हैं जरूर, अपना अपना मौकफ हमने दे दिया है, मुझे तो बिल्कुल ठीक अल्टीमेटली कोर्ट करेगा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। ये बताते चलें कि वीकेंड पे यकीनन नैब भी मुतहरिक था, मीटिंग्स भी खूब हो रही थी और शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा एक सवाल हुकूमत लेके बैठी थी कि उनको कैसे रुकत। OIC का भी आपको मालूम है स्पेशल समिट हुआ फलस्तीन पे, उस पर भी उम्मीद है कि हुकूमत आगे बढ़ेगी मुसलमान ममालिक के साथ, उस पर भी कुछ करेगी। फिल वक्त हमारी तरफ से आज इतना ही, नाज़रीन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।